गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। बाबा बौखरा, ये वो नाम है जो कि उत्तरकाशी के सुरंग हादसे के साथ साथ चलता रहा है। 17 दिन के ऑपरेशन में बार बार बचाव अभियान में रुकावटें आई, लेकिन जिस दिन टनल मैनेजमेंट के लोगों ने बाबा बौखनाथ से माफी मांगी, उस दिन ये भविष्यवाणी की गई थी कि मजदूर 3 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, और तीसरे दिन मजदूर बाहर आ गए। इलाके के रक्षक कहे जाने वाले बाबा बौखनाथ की कहानी आप देखिए। महादेव, 10 घंटा 8 घंटा में निकल जाएंगे, आज शाम तक निकल जाएंगे, कल सुबह तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं निकल। मैं हूं अंकित गुप्ता और मैं मौजूद हूं इस वक्त उस जगह पर। 2 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, ये देखिए खबर आ गई है, जिस खबर का बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकलकर। हिंदुस्तान ने 17 दिन तक चले टनल ऑपरेशन में जिस तस्वीर को बार बार देखा, वो सिर्फ सुरंग का मुख्य द्वार नहीं था। सुरंग के ठीक बगल में बना बाबा बौखनाग का ये छोटा सा मंदिर भी था। बाबा बौखनाग, जिनके सामने ऑपरेशन को लीड कर रहे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक शीश झुकाने के बाद सुरंग के अंदर प्रवेश करते थे। दिन रात बाबा बौखनाग से मजदूरों को सही सलामत बाहर लाने की मुराद मांगी जाती थी। लेकिन सुरंग हादसे और बाबा बौखनाग की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी इससे बहुत आगे की है। कहानी क्या है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सोमवार को सुरंग के पास बने इस मंदिर के पीछे पहाड़ पर उभरी आकृति को गौर से देखिए। सोमवार को सुरंग के भीतर पानी आने की खबर आई थी, लेकिन जैसे ही पानी रिसने के बाद सुरंग के मुख्य द्वार के पास यह आकृति बनी, स्थानीय लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब बहुत जल्द सुरंग से मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि साक्षात शिव की आकृति दिखाई देने लगी। वो शिव जी की आकृति हम भी दिखा देते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उनकी एक अपनी मान्यता थी, उनका ये कहना था, देखिए हम लोगों को पता है कि पीछे से पानी का रिसाव हुआ है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनका ये कहना था कि देखिए पानी का रिसाव होता तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन ये बाबा भोलेनाथ की आकृति है और बाबा भोलेनाथ ने सोमवार के दिन आकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन था, उस दिन उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया है, और अब जबकि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया है तो ये ऑपरेशन जल्द पूरा होगा। दरअसल सुरंग हादसा होने के बाद स्थानीय लोगों ने कहा था कि सुरंग ढहने के पीछे स्थानीय देवता बाबा बौखनाग का प्रकोप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि चार धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट के लिए जो सुरंग बनाई जा रही थी, उसे बनाते समय बाबा बौखनाग का मंदिर सुरंग के दोनों तरफ बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्माण कंपनी ने 2019 में किए वादे के बाद भी मंदिर नहीं बनाया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिवाली से कुछ दिन पहले ही सुरंग के पास जो बाबा बौखनाग का छोटा मंदिर था, उसे भी हटा दिया गया। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों ने बार बार निर्माण कंपनी के लोगों को दी, जिसे अधिकारियों ने अनसुना कर दिया। बाबा बौखनाग का मंदिर जो ऊपर पहाड़ियों पर बना हुआ है, वहाँ बताया जाता था कि उसी के ठीक नीचे से टनल निकाली गई है, उनके मंदिर के नीचे से इस तरह से टनल निकाले जाने को लेकर के स्थानीय लोगों की को बेहद आपत्ति थी। उसके बाद जा करके ये पिछले करीब 8 दिन पहले यहाँ पर मंदिर स्थापित किया और उसके बाद रेगुलर यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। बाबा बौखनाग को इलाके का रक्षक माना जाता है। दिवाली के दिन
सुबह 9:45 बजे जब सुरंग में अचानक मलबा गिर जाने के बाद 41 मजदूर फंस गए, तब स्थानीय लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये बाबा बौखनाग का ही प्रकोप है। हमने जब काम शुरू होता सुरंग का तो कई लोगों ने हमने सुझाव दिया कि यहाँ पर जो मंदिर बनना चाहिए, तो थोड़ा अवहेलना हो गई, मतलब कंपनी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जब बीच में अभी जो ये हादसा हुआ तो सभी लोगों ने इस तरफ ध्यान दे दिया कि यहाँ पर भगवान बौखनाग का मंदिर बनना अति आवश्यक है। वो तब देखिए कोई मंदिर पर ध्यान ना देने, सब काम सही हुए तो मंदिर बनाना जरूरी है। ये मंदिर है बौखनाग जी का, वो टंडल के पास बना रहे, बनाओ मुझे क्या लेना देना है, लेकिन इसको भी बनाओ तभी इनका पिंड छोड़ूंगा, नहीं छोड़ने वाला नहीं पाताल में जाएगी, हमारी सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को सबको, तभी मंदिर को बनाएगा मुझे तभी इनका पिंड छोड़ दूंगा। शुरू में स्थानीय लोगों की इस बात को भी नहीं सुना गया। सुरंग ऑपरेशन के लिए विदेशी एक्सपर्ट बुलाए गए, अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबे को भेदने का काम शुरू हुआ, लेकिन जब 8 दिन बीत गए और सफलता हासिल नहीं हुई तो स्थानीय लोगों के कहने पर सुरंग के मुख्य द्वार के पास बाबा बौखनाग का ये मंदिर स्थापित किया गया। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने के लिए अब भगवान का भी सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि टनल के ठीक बाहर इस वक्त एक छोटा मंदिर स्थापित किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है। टनल के बीचों बीच अगर आप ऊपर देखें तो क्रेन के सहारे एक पंडित को ऊपर आप देखेंगे जो कि वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंदिर का ध्वज है उसे वहां पर लगा रहे हैं। तमाम पूजा अर्चना की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि अब भगवान जल्द से जल्द एक रास्ता इनको दे, तमाम जो इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं इनकी मदद करें और जल्द से जल्द वो 40 जिंदगियां जो हैं वो बाहर आ सके। मंदिर को स्थापित कर दिया गया और लगातार पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा था। 9वें दिन मजदूरों तक खाना भी पहुंच गया, लेकिन अड़चने बार बार रास्ता रोकती रहीं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक नाराज देवता को शांत नहीं किया जाता तब तक बचाव अभियान सफल नहीं हो सकेगा। उसकी भूमि पूजन होनी चाहिए थी वहाँ पर, और ये जो हमारा जो नागराज है, ये जो जैसे सेम नाग है वैसे ये बौखनाग भी है, इसकी भी बहुत मान्यता है और ये जो है बहुत पर्चा है इस पर, मतलब ये है सत है इस पर, इसीलिए कोई हो सकता है कि ये हासला उसी के कारण हुआ होगा। स्थानीय लोगों की बाबा बौखनाग पर गहरी आस्था है, उनका कहना था कि जब तक बाबा बौखनाग से माफी नहीं मांगी जाती तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, और जब तमाम मशीनों ने साथ छोड़ दिया था तब रेस्क्यू ऑपरेशन के 16वें दिन सामने आई थी ये तस्वीर। तस्वीरें बाबा बौखनाग के प्राचीन मंदिर की हैं जो उत्तरकाशी के भाटिया गांव में है। सुरंग निर्माण के मैनेजमेंट से जुड़े लोग बाबा बौखनाग के मंदिर में शीश नवाने पहुंचे थे। बाबा के सामने मैनेजमेंट के लोगों ने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की अर्जी लगाई थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।